टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल तारक मेहता में रोशन सिंह सोढ़ी की पत्नी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मिसेस सोढ़ी का रोल निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने असित कुमार मोदी के अलावा प्रोजेक्ट हेड सोहिल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज करवाई है। जेनिफर मिस्त्री ने पिछले 2 महीने पहले ही शूटिंग से दूरी बना ली थी। वह आखिरी बार 7 मार्च को सेट पर पहुंची थी। सूत्रों ने बताया कि सोहेल और जतिन बजाज ने एक्ट्रेस की बेइज्जती भी की, इससे वह सेट से लौट आई। जेनिफर ने कहा कि वह असित मोदी के बर्ताव से तंग आ चुकी थी। वह उनके आपत्तिजनक मैसेज भेजते थे, कई बार तो सरेआम उनके होठों की तारीफ करते थे, कई बार तो वह अकेले में कमरे में भी बुलाते थे। वह उनकी इन बदतमीजी से परेशान हो गई थी और फिर उन्होंने शो को अलविदा कहना सही समझा। जेनिफर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं चुपती क्योंकि सलीका है मुझमें, खुदा गवाह है कि सच क्या है, याद रख उसके घर में कोई फर्क नहीं तुझमें और मुझमें। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल के सनसनीखेज आरोपों के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के निर्माता असित मोदी ने कहा है कि जो भी आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो एकदम गलत और बेबुनियाद है, वह सिर्फ मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है। हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कि शो छोड़ने को लेकर उनसे बातचीत की गई है। जेनिफर ने असित मोदी पर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को असित ने सरासर गलत बताया है। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझमें, खुदा गवाह है कि सच क्या है, खुदा गवाह है कि सच क्या है, याद रख उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझमें और मुझमें।